जब पोस्टल बैलेट्स खुल रहे थे तो फिर वही बात हुई, आप लोग आगे बढ़ रहे थे, अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है, 40 पर पहुंचे हैं। हालांकि पिछली बार से जबरदस्त उछाल जरूर है, लेकिन विपक्ष का कहना है आपकी ध्रुवीकरण की राजनीति का परिणाम है। अंजना जी, हमने तो सुबह भी ये कहा कि हम संयम और धैर्य के साथ अंतिम परिणाम तक जो है इंतजार करें, और रही बात जो आपको परिणाम वहां पर दिख रहे हैं, अब ये कह देना, एक आरोप लगा देना कि ध्रुवीकरण है, तो ये सब बहुत सामान्य बात है। अपनी हार यदि हमारी बढ़त है और उसको यदि आप कोई आरोपित करना चाहे तो ये शब्द उपयोग कर सकता है, प्रश्न ध्रुवीकरण का नहीं है। आप अंजना जी हमें वहां समझिए, तेलंगाना हम वहां दक्षिण भारत में अपने संगठन का एक व्यापक विस्तार का कार्यक्रम लेकर पिछले 10 साल से चले। हमने वहां पर एक व्यापक अपने संगठन विस्तार के लिए पहले जो है सदस्यता अभियान चलाया, फिर हमने वहां पर संपर्क अभियान किया, फिर हमने प्रशिक्षण अभियान किया, और बूथ स्तर से लेकर वार्ड लेवल पर कैसे नेतृत्व को उभारा जाता है, इसका एक अच्छा उदाहरण यदि पूरे भारत के राजनीतिक दलों में देखने को आपको मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। इसीलिए हमने इतने प्रभावी ढंग से इस नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को लड़ा है, क्योंकि नेतृत्व यहां से उभरेगा, परिवार से विरासत से नेतृत्व नहीं आते, और ये हमारा अटूट विश्वास है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि नेतृत्व कैडर से और जमीन से निकलता है। अन्य दलों की स्थिति है कि वो परिवार से विरासत के आधार पर निकालने की बात है। ठीक है, एक बार और कमेंट अपनी बात, एक बार यादव जी से कमेंट तो ले लें, आपने इतना निशाना साध दिया उन पे। मैं संजय जी की एक कमेंट्स को मैं मंसूख करता हूँ, ठीक है, जवाब दीजिए, फिर यादव जी के पास जाए। बोलिए, संजय जी ने कहा कि जो है भाजपा वहां कांग्रेस की जगह को कवर कर, हम कांग्रेस तो पिछली बार भी 2016 के उसमें जो है दो सीटों पर वहां खड़ी थी, तो हम उनका नहीं कवर कर रहे। हमने टीआरएस को जो वहां की सत्ताधारी पार्टी है हमने उसको जो है पीछे किया है, उसको 99 से घटा के 6 इस पे लाए हैं, हमें ला रहे हैं अभी। यदि इस अभी के परिणाम पर बात करें, रही बात यदि यही उदाहरण देखना है क्षेत्रीय दलों का जो उन्होंने कहा, तो आप पश्चिम बंगाल में देखें, पश्चिम बंगाल में हमने जो है टीएमसी के लोकसभा के 18 सीट लिए, हमने वहां पर वामपंथ और उसके जो थे यदि आप कहें तो वो एकदम शिफ्ट हो चुका था टीएमसी में, वहां तो कांग्रेस कहीं थी नहीं, पिछले 30-20 साल से वहां कांग्रेस नहीं। तो वहां पर हमने जो 18 सीट गेन किया वो हमने वामपंथी जो वहां पर एक प्रमुख दल था, दूसरा जो टीएमसी जो इसके पहले बड़े उसमें सीटें जीती थी हमने उनसे लिया है। ठीक है सर, तो ये कहना जहां, हाँ ये बात मैं संजय जी की मानता हूं कि जहां पर डायरेक्ट फाइट है हमारे और कांग्रेस की, वहां हम जो है कांग्रेस को वो उसकी को शिफ्ट करते हैं अपनी, लेकिन बाकी जगह में पंजाब में अभी कांग्रेस से डायरेक्ट फाइट ही कर रहे थे ना आप कुछ समय पहले तक, और आगे भी करेंगे जी जी। तब देखा जाएगा कि वहां क्या स्थिति होती है। लेकिन अनिल जी, आप तो कांग्रेस सुबह से लेके अब तक रह गई है। अच्छा ठीक है, इसलिए आप कांग्रेस को बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, अभी जो अपने विश्लेषक हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, कांग्रेस तो अब कहीं है नहीं, कांग्रेस ठीक है सर। ओके, लेकिन अनिल जी सुबह से लेके अब तक कितना उलटफेर हो गया, कितना पानी बह गया, 80 चली गई थी बीजेपी अब 40 आ गई, लेकिन कांग्रेस 2-3 पर ही आ पाई अभी तक। जो डिबेट हो रहा है बीजेपी को लेके डिबेट कर रहे हैं, पर एक चीज आप देखना चाहिए कि आने वाले एक घंटे के अंदर इनके जो 40 दिख रहे हैं आप जैसे देख रहे हैं कि चार पे आके रुक जाएंगे। बाकी जो समीकरण है इलेक्शन से पहले की बात अगर हम देखेंगे, टीआरएस और एमआईएम एक ही साथ चलने वाली पार्टी है, जो वहां पे लोकल राजनीति प्रदेश के अंदर करते हैं वो साथ में मिलके करते हैं। टीआरएस और हमेशा एमआईएम ने बताया है कि टीआरएस का जो स्टीयरिंग है, जो कार का स्टीयरिंग है, वो उनके हाथ में चलता है। चुनाव नतीजे पूरे आने के बाद समीकरण आप देखेंगे, सारे मिलके दोबारा एक साथ एक ही गाड़ी में बैठेंगे। रही बात बीजेपी की, जो पूरे जितने भी प्रदेश के जितने भी मतलब नेता है वहाँ पे आके प्रचार करे, उनका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा। आने वाले 1-3 घंटे के अंदर सारे नतीजे आपके सामने आएंगे। जिस तरह से क्या उम्मीद कर रहे हैं, कांग्रेस आ जाएगी 40 पे? मैं कांग्रेस आएगी नहीं आएगी वो तो लोगों का जो मतदाता का जो, अब ये तो अच्छी बात होगी सर, मेरे घर में बत्ती नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे घर में अंधेरा है ना, मैं इसी में खुश हूँ। ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति होगी, मेरा किसके
नहीं, अंधेरा किसके वजह से हो रहा है वो भी देखना है ना रोहित जी आपको। अंधेरा ये जो माहौल बना रहे हैं लोग यहाँ पे आके, क्या ऐसे क्या जरूरत आ गई इतनी सारे देश के नेता नरेंद्र मोदी से लेकर। अगर आपके मुताबिक ये वापस चार पे ही आ जाएंगे जो आपने खुद कहा कि दो घंटे में बदल जाएगा, ये वापस चार पे होंगे तो फिर तो कुछ नहीं बदला ना, और कुछ नहीं बदलने में आप मैदान में होके भी नहीं हुए, न तीन में न तेरह में। मैदान में हम हमारा एक बात ये है रोहित जी, हम लोग हमेशा मैदान में थे, मैदान में रहे, मैदान में रहेंगे, पर जिस तरह से बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है सारा माहौल की भी, अमित शाह ने खुद आके बोला है कि वो मेयर बनाएंगे वहां पे आके, अमित शाह बोले कि बीजेपी का मेयर बनेगा, वो तो अभी पता चल जाएगा, अभी एक दो तीन घंटे में पता चल जाएगा कौन मेयर बनेगा क्या बनेगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हाई वोल्टेज कैंपेनिंग किया है आके वहां पे माहौल, तो आप इसी में खुश है कि इनका मेयर तो नहीं बनेगा अमित शाह के कहने के बाद भी, आपको भले तीन सीट आ रही हो। हमारा यहाँ पे हमारा कांग्रेस पार्टी का जो काम है वो हमेशा लोगों के बीच में रहा है, वो रहेगा। लेकिन आप जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी का जो माहौल आप सुबह से बता रहे हैं पूरे नेशनल, सर हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कुछ आंकड़ा आ रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। पहली चीज, हम प्रोजेक्ट तब कर रहे होते हैं जब बीजेपी जीत रही होती चार और हमने लिख दिया होता 40। जब बीजेपी चार पे आ जाएगी स्क्रीन पे अपने आप चार हो जाएगा, ये ऑटोमेटेड होता है, ये किसी पार्टी दफ्तर से या कहीं आपके उससे कनेक्ट होके नहीं चल रहा है, ये अपने आप चल रहा है, ऑटोमेटेड है। पहली चीज, दूसरी चीज सर, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि बजाय इसके कि टीवी चैनल पे ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, बजाय इसके कि टीआरएस और एमआईएम का तो गठबंधन है, बजाय इसके कि अमित शाह ने तो वहां प्रचार कर दिया था, आपको ये सोचना चाहिए ना कि आपकी ये दुर्गति क्यों है। आप अपने घर पे नहीं देखना चाहते, बाकी सबका पता रखना चाहते कि आया क्या हो रहा है। रोहित जी हमारे घर पे हम जरूर देखेंगे, हमारा जो भी काम है, हमारा जो भी लीडरशिप है उस पर हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग हमारा जो काम है वो हमेशा करते आ रहे हैं।